हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू इन अदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है इस नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ वनवे स्लैब। वनवे स्लैब क्या होती है, इसका रेइंफोर्समेंट डिटेल एंड अकॉर्डिंग टू आई एस 456 एंड 2000। ठीक है, जो आई एस कोड होता है जो हम मोस्टली यूज करते हैं कंक्रीटिंग के लिए, बेड ऑफ कंक्रीट के लिए, आई एस 456 2000, उसका अकॉर्डिंग वनवे स्लैब क्या होती है। ठीक है, इसका रेइंफोर्समेंट डिटेल क्या होता है। तो आगे पढ़ने से पहले बता देता हूँ, अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, youtube.com/CE&T without space। ठीक है, चल मिल जाएगा आपको। प्लीज़ वीडियो के अंत में अगर कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ थैंक यू। आगे शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ वन वे स्लैब क्या होती है, इट इज़ रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन। देखिए, जो स्लैब का लॉन्गर स्पैन होता है टू द शॉर्टर स्पैन, जो छोटा होता है उससे, इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू टू, इससे बड़ा हो, जो रेशियो है इससे लॉन्गर स्पैन। देखिए, एल बाई एस जो इसको रेशियो है, दो से बड़ा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए, तो वो वनवे स्लैब कहलाती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं उसके लिए। हमारे पास वन स्लैब है जिसकी लेंथ है 12 मीटर एंड विड्थ है 4 मीटर। अब ये देखना है कि वनवे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमारे पास रेशियो क्या होता है, एल बाई एस, ठीक है, ग्रेटर देन टू, टू से ज़्यादा होना चाहिए। एल वाई एस इक्वल टू क्या है हमारे पास, 12/4। लॉन्ग स्पैन क्या है, 12 मीटर, ठीक है, और शॉर्ट स्पैन 4 मीटर। तो क्या है हमारे पास रेशियो, 3 रेशियो आया क्या, 3, दो से बड़ा है तो इसलिए क्या कहलाती है, वन वे स्लैब। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे 8 आ जाता और यहाँ पे 4 आ जाता, लॉन्ग स्पैन हमारा 4 मीटर है और शॉर्ट स्पैन 4 मीटर है, तो 2, तो ये तब भी वन वे स्लैब ही कहलाती। इसमें लॉन्ग स्पैन, ठीक है, लॉन्ग स्पैन एक स्लैब होती है, लॉन्ग स्पैन वन वे स्लैब में वैसे ध्यान रखना, जो सपोर्ट होती है ना, इसमें जो सपोर्ट होता है लॉन्ग स्पैन में, जो रेशियो पर डिपेंड करता है। और एक ये हमेशा टू वे कहलाती है, जैसे कि ये बोथ साइड से इसका सपोर्ट होगा ना, इस साइड से होगा, दोनों साइड से, बस यहाँ पर सपोर्ट होगा, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर बीम ले सकते हैं या फिर वाल ले सकते हैं। और जो ये स्पेस होगा ना, ये दोनों वाल, ये वाला फ्री होगा बिल्कुल। सपोज़ कीजिए एक बरामदा ले लीजिए, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री होगा, यहाँ पे ना कोई बीम होगी ना इसके कोई नीचे कोई वाल होगी, तो ये वन वे स्लैब। या फिर सपोर्ट भी हो सकती है या फ्रीली हो सकता है, ठीक है, जो उसका बेंडिंग मोमेंट होता है ना। देखिए, वन वे स्लैब सपोर्ट टू टू पैरेलल बीम्स और वाल, जो पैरेलल बीम है ना, ये पैरेलल बीम है, इस पर सपोर्ट करती है जो वाल, जो उसका जो लॉन्ग स्पैन है ना, तो इस पर सपोर्ट करेगा दो बीम पर पैरेलल पे। इसलिए क्यों करता है, जो इसका बेंडिंग मोमेंट है ना यहाँ पे, इसका ज़्यादा होता है लॉन्ग स्पैन पे, ठीक है। इसलिए हम जो सबसे पहले जो प्रोवाइड करते हैं ना मेन बार, इसलिए हम मेन बार हम प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग में, पहले मेन बार प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ही हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे, जो क्रॉस बार होता है, ठीक है। वैसे ध्यान रखना, मेन बार शॉर्ट स्पैन, शॉर्ट स्पैन में हम मेन बार यूज़ करते हैं और क्रॉस बार हमेशा लॉन्ग स्पैन में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसका रेइंफोर्समेंट डिटेल देख लेते हैं आगे। दी रेइंफोर्समेंट डिटेल क्या आता है, दी मेन रेइंफोर्समेंट बार विल बी प्रोवाइडेड इन दी शॉर्टर स्पैन वेयर बेंडिंग मोमेंट विल बी हाई। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे हाई होता है तो शॉर्ट स्पैन में ही होता है, ठीक है, शॉर्टर स्पैन में होता है यहाँ पे होगा इसमें, ठीक है। हमेशा देखा होगा ना आपने, सपोज कीजिए ये बीम है हमारे पास, ठीक है, कोई सपोर्ट मान लीजिए, कोई कुछ भी, जैसे अपने बेंडिंग मोमेंट होगिंग स्ट्राइकिंग देखा होगा आपने, यहाँ पर कोई सपोर्ट लीजिए, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये बीम है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट है ना इस पे होगा, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है, अब डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये हमारे पास ये बीम है एंड ये स्लैब है, ये सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, ये सपोर्ट है कॉलम की या बीम की, ठीक है, और यहाँ पर ये फ्रीली है, मतलब विड्थ में इस तरह से होगी ना स्लैब, तो ये फ्रीली है स्लैब, तो यहाँ पे सपोर्ट है बीम है, ये फ्री होगा, तो इसलिए सपोर्ट हमेशा बेंडिंग मोमेंट जो होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा क्रॉस बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है, हमने से लगे, और मेन बार शॉर्ट स्पैन में, मेन बार, तो देखिए मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पैन और डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर स्पैन, रेइंफोर्समेंट बार जो यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए हमेशा इस पर ज़्यादा होता है। चलो इसके स्लैब का क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं, हमेशा इसको क्रॉस ऐसे कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन इधर से देखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, जैसे हम इसको क्रॉस सेक्शन देखेंगे
इसका ऐसे जैसे स्लैब को हम इसे ऐसे काट देते हैं, इसको काटने से हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ठीक है, ऐसे क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम इसे, चला के देखते हैं क्रॉस सेक्शन इसका। क्रॉस सेक्शन मैंने बताया, इसको ऐसे देखते हैं स्लैब का, यहाँ पे सपोर्ट है बीम की दोनों बोथ साइड में, ठीक है। ये शॉर्ट स्पैन है स्लैब का, शॉर्टर स्पैन है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना शॉर्टर स्पैन है स्लैब का। तो हमेशा इसमें अल्टीनेट डलेगा, देखो ये अल्टीनेट हो गया, ये अप हो गया, ये बेंट अप बार हो गया, बेंट हो गया और बॉटम में चले गया, ठीक है, ये बॉटम में से होता होता ये अप चले गया, ठीक है, ये बेंट अप बार भी कहलाता है, बेंट अप बार जो रिस्पोंडमेंट का है। मैं इसको बेंट अप बार की इसकी कटिंग लेंथ भी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो अभी देखते रहिए। तो इसमें जो रेड से प्रोवाइड किया है ये हमारा मेन बार है, जो हमेशा यहाँ ना बेंडिंग मोमेंट होता है ज़्यादा होता है शॉर्टर स्पैन पे सपोर्ट के पास में, ठीक है, ऐसे इस तरह से बेंडिंग मोमेंट होगा, यहाँ पर सपोर्ट होगी, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है, अभी मैं जो भी बेंडिंग मोमेंट होगा यहाँ पर हाई होता है सपोर्ट पे। अब बेंडिंग मोमेंट जो होता है हाई, जो लोड होता है एल बाई फोर पे, एल बाई फोर होगा या फिर एल बाई सेवन, एल बाई सेवन पे होगा, डिपेंड करता है इसका डिज़ाइन पे, जो मेनली डिज़ाइन पे डिपेंड करता है एंड इसके विड्थ पे, ठीक है, हमेशा मैनुअल एल बाई फोर लेंगे या एल बाई सेवन तक लेते हैं, क्रैंक बार होगा। और ये जो आपका ग्रीन से डिनोटेड किया है ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब ये लॉन्ग स्पैन इस तरह से डलेंगे ना, इसके नीचे स्लैब में नीचे आएगा हमेशा। सनसेट में भी अगर छज्जा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट है, अपने ऐसे छज्जा यूज़ किया, छज्जा से यूज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे बॉटम में जाएगी, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा, ये मेन बार जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा, उसके बाद ऊपर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा, इसके नीचे भी डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा, ठीक है, मेन बार इस तरह से प्रोवाइड होगी हमेशा सनसेट में भी देखना, सनसेट में तो ठीक है इस तरह से प्रोवाइड होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा ये लॉन्ग स्पैन में स्लैब की लॉन्ग स्पैन में, ठीक है, मेन बार होगा शॉर्ट स्पैन में, मैंने क्रॉस सेक्शन काट के बताया ना, ठीक है, तो समझ में आ गया आपके। अगर कोई भी अगर इस वीडियो में कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर मैं आप चाहता हूँ कोई नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।